Ladies and gentlemen, broiler integration in the poultry industry plays a very vital role. However, it has its own challenges. And to take us through the strategic solutions, we would now be requesting our next dignitary to join us on stage. Can I please request with all your huge rounds of applause to welcome the gentleman on stage, the chairman, All India Poultry Breeder Association, Managing Director IB Group, none other than Mr. Bahadur Ali. Sir, a very warm welcome. Bahadur Ali is a visionary leader and a pioneering force in India's poultry industry as the founder and managing director of IB Group, a leading entity in the animal husbandry sector. He has made an indelible mark on the industry. Starting with just 100 birds, Mr. Ali's relentless determination has now transformed Rajnandgaon, Chhattisgarh into a thriving hub for poultry farming. A true advocate of rural empowerment, Bahadur Ali has worked tirelessly to improve the lives of thousands of farmers by promoting crop rotation, enhancing agricultural production, and establishing a direct procurement system for animal feed. His initiatives have significantly uplifted the rural economy, increased farmers' income, and helped improve nutritional standards across India. Mr. Ali has been instrumental in promoting renewable energy and advancing education through Aziz Public School, benefiting underprivileged children in remote areas. He strongly believes in the saying, "We rise by lifting others," and his unwavering commitment to sustainable development and empowerment has earned him recognition as a leader in business and social welfare. Ladies and gentlemen, please extend a warm welcome to Mr. Bahadur Ali. Thank you very much. मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि मेरे को बोलना नहीं आता ज़्यादा, और आज मुझे मैं को यहाँ बुलाया गया बोलने के लिए, मेरे को काम करना आता है। ये अपने गुरु हमारे केजी आनंद जी और मेरे दोस्त जो राम रेड्डी हैं, इनकी ये सोच और इनकी काम करने का तरीका कि बोलो कम काम ज़्यादा करो, उसी को मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ और आगे बढ़ने के लिए चल रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद। अब मैं मुझे यहाँ पे डॉक्टर शुक्ला, धुमाल, हरीश, उदय, इन्होंने फोर्स करके बोला कि आपको इंटीग्रेशन पे बोलना है। मैं बोला कि इंटीग्रेशन अपने आप में चैलेंज है, उसके बारे में क्या बात करूँगा। तो इन्होंने बोला कि तुम्हारा इंटीग्रेशन में तुम्हारे को क्या एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से आवाज़ आ रही क्लियर? तो मैंने चलिए कोशिश करता हूँ। इंटीग्रेशन अपने आप में एक चैलेंज इंडस्ट्री, और चैलेंज के बारे में मुझे बोला जा रहा है, तो जस्ट मैं एक व्यू देना चाहूँगा पोल्ट्री इंडस्ट्री के बारे में कि इंडस्ट्री आज 2.1 लाख की है। 70% कंट्रीब्यूशन हमारे पास इसका ब्रायलर का है, और इंडिया पोल्ट्री सिस्टम 14% ग्रोथ है। एग्रीकल्चर GDP हमारी 14% है, और ब्रायलर में 6.6% हमारे पास है। नेक्स्ट, आज जैसे आप देखेंगे कि आज हमारी टोटल पॉपुलेशन का 10 करोड़ लोग इस पोल्ट्री इंडिया से जुड़े हुए हैं। 30% प्लेयर हमारे टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी को एडॉप्शन लेके अपनी इंडस्ट्री को ग्रोथ कर रहे हैं। मैक्सिमम ब्रायलर प्रोडक्शन हमारा आज इंटीग्रेशन के अंदर होता है। अब पोल्ट्री इंडस्ट्री के इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो हमारे सेक्टर में आप देखेंगे कि कोई बॉय लॉस नहीं है। हम पोल्ट्री इंडस्ट्री में सब अपने अपने हिसाब से दौड़ रहे हैं। कोई बैठ के, कोई समझ के, कोई इसके कमेटी नहीं बनी जो इसके बाई लॉज बनाए और काम करे। जैसे हमारे दूसरी कंपनी को हम देखते हैं कि चाहे सोफा हो, चाहे सोया लेते हैं हम मक्का लेते हैं, चाहे कोई भी ऑटोमोबाइल्स लेते हैं, सबके एक बाई लॉज बने हुए हैं। उस बाई लॉज को पहले माना जाता है, उसके बाद फिर प्राइस वेरिएशन होता है कि कोई बोलता है कि मक्का मैं 1500 में लूँगा, कोई बोलता है 1800 में, लेकिन 10% 14% मॉइस्चर है, दो फंगस है, 46 है, ये सब फिक्स है, इसको कोई चेंज कभी नहीं करता।
हम भी सालों से इसी कंडीशन से ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है। फाइनेंस इंस्टीट्यूट भी देख लीजिए, सबके पास एक कंडीशन होती है कि किसको क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे इंडस्ट्री में कहीं से भी कोई लॉज नहीं है। हर इंडस्ट्री, हर आदमी, हर कंपनी अपना बाई लॉज बनाती है, बाई लॉज बना के उसको आगे मूव करती है, जिससे क्या होता है हमारे साथ हर आदमी मतलब निगोशिएट इतना ज़्यादा होता है। कोई बताता है कि इस कंपनी ने यह किया, उस कंपनी ने यह किया, इस कंपनी ने किया, तो फट से नई कंपनी हो चाहे पुरानी कंपनी हो चाहे उसका रिप्लेसमेंट कम हो रहा, तो फट से डिसीजन चेंज होता है और हम लोग पूरे बाई लॉज को चेंज कर देते हैं, कंपनी टू कंपनी हो रहा है। जबकि मेरा मानना है कि सेंटर वन होना चाहिए और जितनी टॉप इंडिया की 10 या 20 कंपनी बैठ के एक बाई लॉज बनाना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट बाकी सब कंपनी को करना चाहिए, जिससे हम आगे चल के अपनी इंडस्ट्री को मजबूत कर पाएंगे। अब हम आज क्या कर रहे हैं, पूरी ताकत हमारी लगी हुई कि इंटीग्रेशन कंपनी खोलती है, फट से किसी भी कंपनी के आदमी को उठा लेती है, किसी भी कंपनी के कोई भी फर्म को टेक ओवर कर लेते हैं। कोई उसका स्टैंडर्ड नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए, बस सबको दौड़ना है, दौड़ना है, दौड़ना है, आगे बढ़ना। बिल्कुल दौड़िए, आगे बढ़िए, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल मैं तो बोलता हूँ दौड़ेगा नहीं वो अपना पीछे रह जाएगा, उससे मुझे कोई अप्रेज नहीं। लेकिन दौड़ने के लिए रोड मैप तो रोड हमको अच्छा हमको बनाना पड़ेगा, ताकि हम जाके आगे मजबूत होके बैंक के सामने। हमारी इंडस्ट्री रोजगार क्रिएशन करने वाली इंडस्ट्री, आज 10 करोड़ लोग हमारे साथ देश के जुड़े हुए हैं, उनकी सिक्योरिटी चाहिए, उनकी हेल्थ अच्छी चाहिए, हमारी भी हेल्थ अच्छी चाहिए। हम काम कर रहे हैं लेकिन हम लोग खुद डगमगाते हैं, कोई आगे जाता है कोई पीछे जाता है, इस तरीके से हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आज देखिए हर आदमी सुबह उठता है, उसको पता नहीं कि मेरा इंटीग्रेशन के परफॉर्मेंस कैसे आएंगे। किसी के यहाँ फिर चोरी हो रही है, किसी के यहाँ आदमी भाग रहे हैं, किसी के यहाँ कोई जा रहा है कोई आ रहा है, किसी के FCR बिगाड़ी, किसी का वायरल इन्फेक्शन हो रहा है। मतलब उठते साथ हम इस चैलेंज में भिड़ जाते हैं, हमें ये पता ही नहीं कि इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना है, इस सिस्टम से बाहर निकलने के लिए आपको और हमको करना क्या है। बस डे टू डे प्रॉब्लम में हम उलझ गए और हम ये मान के चलते हैं ऐसा होता है ऐसा होते ही रहेगा। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, ऐसा होता है और ऐसा होते ही रहेगा। इसके लिए हमको सब बैठ के, बहुत इजी है जो काम, जो ऐसा होता है जो सोचते जो नहीं हो सकता, मैं बोलता हूँ सबसे इजी काम है वो। आज कौन सा काम ऐसा जो नहीं हो सकता, चाइना को देखिए, अमेरिका को देख लीजिए, वहाँ पे इंटीग्रेशन कितना सक्सेसफुली मॉडल चलता है, ऐसा कोई ना चोरी होती है ना FCR होता है, बिल्कुल 1.4 की FCR आ रही तो उसी हिसाब से फिट जा रहा है, मॉडलिटी 3-4% हो रही है। हम सब इन्वाइटेड प्रॉब्लम को करते हैं, फिर उसको दूर करने के लिए हमारी एक टीम काम करती है और रोज आदमी बदलते हैं, रोज फॉर्म बदलते हैं। ये प्रोसेस हमारे सालों से चल रहा है और शायद मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में और क्या चल। इसके लिए हमारा रोड मैप होना चाहिए कि हमको इंडस्ट्री सेफ फार्मर के हाथ में ले जाना है, सेफ एम्प्लॉई के हाथ में ले जाना है, तब हम बोलते हैं कि आपके पास कम से कम जितनी कैपेसिटी फार्म की है 10% सरप्लस फार्म हमारे देश में होना चाहिए। इसके लिए कोई एक ग्रुप या एक कंपनी काम नहीं कर सकती, इसके लिए सबको मिलकर नए फार्मों को इन्वेस्टमेंट करवाना चाहिए, नए लोगों को इंडस्ट्री में लाना चाहिए। जब तक 10% फार्म नहीं होगा तो उनको भी काम का चैलेंज कैसे आएगा, अभी हम सब हमारी जिम्मेदारी है, उनको ऊपर चैलेंज कैसे आएगा कि वो अच्छा रहेगा, उसको चिक्स मिलेगा और उसको फीड मिलेगा। हमारा करोड़ों रुपया उनके पास रखा हुआ है लेकिन हम खुद सेफ नहीं है, हम बैंक में सब अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके बैठे हुए हैं, कल अगर कुछ होगा तो जॉब हमको देना है। लेकिन हम फार्मों को सिलेक्शन करने में, उनको अपग्रेड करने में कोई पैसा नहीं लगाते, कुछ नहीं करते, नए इन्वेस्टर को नहीं लाते हैं और नए हमको 10% जब तक हमारे पास फार्मर नहीं होंगे हम निगोशिएट नहीं कर सकते, हम सिलेक्शन में नहीं कर सकते। हमारे पास कोई सोच ही नहीं, एक आदमी ने जो फार्म लाया हमने एंट्री कर दी, हमने ये भी नहीं देखते कि उसके इक्विपमेंट कैसे हैं, सब जो भी देखते हैं सब कागज में देखते हैं, फिजिकल आप जाके देखो तो वहाँ पता चलेगा कुछ और है। कोई भी इक्विपमेंट फार्म में उस पोल्ट्री स्टैंडर्ड के नहीं रहते, हमारे करोड़ों रुपये की मुर्गियाँ वहाँ रखी हुई है लेकिन हमारा सिस्टम इसको अलाउ कर देता है कि चिक्स मिला उसने लिखा कि हाँ इतने फीडर ड्रिंकर है और हमने उठा के चिक्स और फार्म में दे दिए, और जिसने अगर परफॉर्मेंस खराब किया उसको भगा देते हैं, उसको दूसरा कंपनी उसको रख लेती है, तो कहाँ से हमारी इंडस्ट्री सुधरेगी। फार्मर को कोई चैलेंज है ही नहीं,
तो फार्मरों को भी चैलेंज दीजिए, जैसे हमको आप लोग देती है, कंपनी देती है, बैंक देती है, परफॉर्मेंस लाओ उसके हिसाब से उनको भी देना चाहिए। तो इसमें भी हमको काम करने की, ये हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास फार्म सरप्लस नहीं है। आज की तारीख में फीड की प्राइस, चीज की प्राइस कितनी बढ़ रही है, और हमारा सबसे मेन बात है कि हमारा कैपेक्स कितना बढ़ते जा रहा है। आज ब्रीडर फार्म लगाना है और एक्सपांसन करना, उसके लिए पहले बहुत सोचना पड़ता है क्या हमारी इंडस्ट्री से इतने सेफ हाथों में है, क्या हम इन्वेस्टमेंट करके क्या हम बैंक को पैसा दे पाएंगे क्या। ऐसे गांव के इतने लफड़े, एनओसी नहीं मिलती, जमीन नहीं मिलते, इतने सारे चैलेंज हमारे पास आ रही है। और हम इसमें क्या कर रहे हैं कि बिल्कुल वही ट्रेडिशनल तरीके से काम चल रहे हैं, तो हमको इसमें भी रिस्क को कम करने के लिए हमको सब काम करना चाहिए। वैसे ही LS, हमारा इंटीग्रेशन का मेन मुखिया कौन है? LS, ब्रांच मैनेजर, राइट। उसको जो हमारे को लाखों करोड़ों की हमारी इंडस्ट्री को ड्राइव कर रहा है, उसको हम लोग रखते कहाँ हैं पहले वो तो देखिए। एक रूम में बंद करके रख दिए 8 लोगों को 6 लोगों को, वो तो आदमी है ही नहीं। मैं तो सबसे, मैं अपने टीम से बात करता हूँ, कह रहे उस आदमी हमारी सक्सेस स्टोरी बनाने वाला LS और BM है। वो आदमी देखिए एक रूम में बैठे वहीं खाते हैं, उनको आदमी की आज़ादी फ्री, उसकी एनर्जी इंक्रीज करने का कोई सोर्स कहाँ है हमारे पास? हम सब एक दूसरे की कॉपी किए जा रहे हैं। था आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले वो मॉडल सही था, लेकिन आज की तारीख में मैं बोलता हूँ ये मॉडल गलत होते जा रहा है। आदमी के पास एनर्जी, उसके पास ताकत है, उसके पास ब्रेन है, हम उसका यूज़ नहीं कर रहे। उसको एक रूम में बैठा दिए, यहीं खाना खाओ, यहीं TV, किसी ने लगाया तो TV लगाया, किसी ने नहीं लगाया तो नहीं लगाया, वो वहीं घूमते 8-10 लोग, आपस में दोस्ती यारी हो जाती है और आपस में ही गलत काम करने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, झूठ बोलने के लिए सब पॉइंट एक साथ बना लेते हैं कि तुम भी यही बोलना, मैं भी यही बोलूँगा, मैं भी बोलूँगा। मैनेजर और मालिक तो ऊपर बैठा, उसको कोई पता नहीं है। अब हम ज़्यादा आदमी रखते हैं, ज़्यादा घुमाते हैं, और शायद मैं बोलता हूँ पैसा तो हम अच्छे ही देते हैं, लेकिन अगर 15 आदमी काम को हम 10 आदमी से करवाएं और उसको ज़्यादा पैसा दें और नई इंडस्ट्री के आदमी लेके आए, नए लोगों को इंट्रोडक्शन करें, अपने घर से जिस गांव में ब्रांच खोलना है उस घर में रह के वो अपने परिवार के साथ या अपने मोहल्ले वालों के साथ रह के जब आता है तो उसके काम करने की सोच बढ़ती है। इस तरीके से थोड़े से खर्चे बढ़ा के हमको उनके लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर उठाना चाहिए और एक रूम से निकाल के गांव के अंदर एक आम प्राणी के बीच में रखना चाहिए ताकि उसकी कैपेसिटी, उसकी ताकत बढ़े। आज हमारे इंडस्ट्री में, हमारी नहीं, पहले मैं सब इंडस्ट्री बताता हूँ, जितनी इंडिया के अंदर इंडस्ट्री है वो सब की एक सेंटर एसोसिएशन होती है। हमारी इंडस्ट्री में इतनी सारी एसोसिएशन है कि जब हम सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के पास एक मुद्दे को लेके जाते हैं तो 4 एसोसिएशन चले जाते हैं, 4 टाइप की फिगर देते हैं, हमारी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट कंफ्यूज होती है। आज की तारीख में कोई भी बिजनेस, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट की सपोर्ट के बिना ड्राइव करना मुश्किल है, क्योंकि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लॉट ऑफ पॉलिसी देती है अपने छोटे छोटे किसानों के लिए, इन्वेस्टर के लिए। आज के तारीख में माहौल इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन जब हमसे कोई डाटा मांगती है तो हमारे पोल्ट्री इंडस्ट्री का डाटा उसके पास डिफरेंट जाता है। गवर्नमेंट बोलती तुम एक हो क्या हो, लेकिन हम एक नहीं होते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम एक चीज़ में नहीं होते। देख लीजिए, अच्छा सोफा हो, इवन CIE में हमारा पोल्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं है। कहीं कहीं एक हर जगह कोई है, इतनी बड़ी जो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, वहाँ हमने अपना आदमी नहीं भेजा है, और भेजा भी होगा अगर किसी ने तो मुझे पता नहीं, मेरी जानकारी नहीं है। उसके पास कोई डाटा नहीं कि इंडिया पोल्ट्री कितनी बड़ी है, क्या काम कर रही है, उसके चैलेंज क्या है। जो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है कि उसको अथॉरिटी है, उसके पास हमारे पास कोई डाटा नहीं है। तो ये भी हमारी बात है, और हमको सबसे पहले जितनी स्टेट एसोसिएशन और ये अपनी कंपनी है, इन सबको मिलकर पहले एक बनना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, और हर स्टेट की उसकी विंग होना चाहिए, रीजनल अपनी रहे, अपना काम करे, अपने स्टेट में डेवलप करे, वो होना चाहिए, ना कि एक ही चीज़ को लेके 4 जगह हम जाएं गवर्नमेंट के पास और कन्फ्यूज़ करें। चौधरी जी हमारे सामने बैठे हैं,
चौधरी जी को अच्छे से मालूम है, ये हमेशा बोलते थे कि तुम लोग चार लोग आते हो, चार डाटा लेके आते हो, किसकी बात माने किसकी बात नहीं माने। तो ऐसे में सरकार कंफ्यूज होती है। सरकार पोल्ट्री इंडस्ट्री, आप देखिए फिश इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री को सरकार कितना सपोर्ट करती है। क्या उनको हमारी पोल्ट्री से नाराजगी? बिल्कुल नहीं है। अगर पोल्ट्री से नाराजगी होती तो ये सब काम नहीं होते। उनके पास पोल्ट्री कोई डाटा ही नहीं है, पोल्ट्री वालों का एक डाटा ही जाता नहीं है। पोल्ट्री वाले गांव की इकोनॉमी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कितना काम किया सरकार को पता ही नहीं। सरकार को हम 10-20 कारपोरेट लग जाते हैं, सरकार सोचती पोल्ट्री इनकी, जबकि गलत है ये, पोल्ट्री हमारी है ही नहीं। हम तो किसानों का काम करें, जैसे अमूल जैसे कंपनी जो आज बैठी हुई है, हम उसके जैसे 10-20-25 बिजनेसमैन चले जाते हैं तो उनके पास मैसेज पहुंच गया कि ये इनकी बपोती है, बिल्कुल गलत। हम उसको प्रूफ नहीं कर पा रहे, हम गांव-गांव की चीज़ों को उनको बता नहीं पा रहे कि हम रूरल एरिया में जाके कितने फार्म खिला रहे हैं, कितना मक्के को उगा रहे हैं, कितना सोयाबीन को प्रोड्यूस करवा रहे हैं, और कैसे करके हम इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं, और अब हमारे पास ये चैलेंज है, इसमें सपोर्ट कीजिए। गवर्नमेंट तैयार है, हम लोग लेना नहीं चाहते, डाटा नहीं है। जब भी डाटा मांगा जाता है तो मल्टी डाटा आते हैं, मल्टी सिस्टम होती है, और कहीं पर भी कोई चीज़ नहीं होती। जबकि आप देखिए सोफा अपनी बात जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलता है कि तेल इम्पोर्ट करना, तेल इम्पोर्ट हो जाता है। हम बोलते हैं तो बहुत टाइम लगता है। अभी देखिए मेज के शॉर्टेज, हम बोले हमारी आवाज़ ही नहीं पहुंची वहाँ। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि गवर्नमेंट को हमने महसूस ही नहीं कराया कि मक्के की किस तरीके की शॉर्टेज और हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री से इन्फ्लेशन में क्या फ़र्क आएगा। हमने बताने में हम प्रूफ करने में कामयाब नहीं हुए। फिर हम लोग बोलते हैं सरकार काम नहीं करती, गलत है। मैं सोचता हूँ कि हमको एक सिंगल अथॉरिटेशन बनाना चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करे, उसमें इंडिया के टॉप बिग जो प्लेयर हों उसमें होना चाहिए, और बाकी सपोर्ट के लिए कमेटी बनना चाहिए जो कि इस इंडस्ट्री को, इस एसोसिएशन को ड्राइव कर सके। सबसे मजे की बात कि हमारी इंडस्ट्री में कोई वो नहीं है, लॉ नहीं है, ये नहीं है कि नॉट वर्क द पीपल कंपनी है भी। कोई भी आदमी एक कंपनी में फ्रॉड करता है, दूसरी कंपनी में चले जाता है, चिक्स ले लेता है, उसको पकड़ने का, उसको देखने का कोई डाटा नहीं है। आज अपन बैंक से भी जाते हैं तो हमारा सिविल स्कोर देखा जाता है, राइट? आपकी दूसरे बैंकों की रिपोर्ट देखी जाती है, लेकिन हमारे पास, हम कुर्सी में बैठे हुए, हमारा रीजनल हेड हो चाहे जो भी है, जिसने जो बताया हमने उस फार्मर को रख लिया, उस आदमी को रख लिया, उसको चेक करने का हमारे पास कोई डाटा नहीं है। मैं ऐसा, मेरा जो अनुभव है कि अभी हमारे इंडस्ट्री में 500 ऐसे एम्प्लॉई हैं और 5000 ऐसे फार्मर हैं जिन्होंने हमारी पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री को चिंतित कर दिया है, परेशान करके, चोरी करके, इधर से उधर नौकरी छोड़ के, सैलरी इंक्रीज करने के लिए कंपनी छोड़ते हैं। ठीक है, छोड़े, सबको सैलरी बढ़ाने का राइट्स है, लेकिन तरीका गलत है। बिल्कुल, मैं तो बोलता हूँ सबको सैलरी बढ़ना चाहिए, मिलना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है वो हमारी इंडस्ट्री के लिए घातक हो रही है कि हम किसी को भी नॉन परफॉर्मेंस आदमी को, फार्मर को हम सैलरी या रेट बढ़ा के रख लेते हैं। तो सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हमारे पास कोई उनको कंक्लूड करने के लिए कोई डाटा नहीं है, उनको देखने के लिए कि ये आदमी या ये फार्म अगर चीटिंग किया तो दूसरी कंपनी ना ले। कोई, जैसे हम आज बैंक में जाते हैं तो सिविल स्कोर है हमारे पास। आज किसी को भी आदमी को, एम्प्लॉय को बोलो बैंक में लोन लेने जाओ तो फट से सिविल स्कोर देखता है। अगर उसके पास सिविल स्कोर में देखता है इतना पॉइंट होगा तो ही उसको कोई भी दुकान वाला लोन दे देता है, बैंक दे देती है, लेकिन हमारे पोल्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए मैंने कोशिश किया हूँ, एक मैंने ऐप बनाने की कोशिश किया हूँ, राइट डॉक्टर राकेश जी हैं, कनेक्ट है। मैंने एक इसी तरीके को, इस प्रॉब्लम को देख के एक ऐप बना के अपनी इंडस्ट्री से ओपिनियन लेके इसमें कुछ टॉप 5, टॉप 20 या 10 लोगों को इसमें जोड़ के इसको सक्सेस बनाने के लिए एक हम कोशिश करेंगे कि कैसे इसके थ्रू हम उन फ्रॉड लोगों को पहचानें, चाहे वो एम्प्लॉई हो चाहे फार्मर हो, जिसके कारण हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, उसको कैसे हम रोकें। इसके लिए इंटीग्रेशन कंपनी को सपोर्ट देना पड़ेगा, इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, और अपने उन पुअर परफॉर्मेंस, चाहे आदमी हो चाहे फार्मर हो चाहे ट्रेडर्स हो, उसकी एंट्री इसमें करना होगा, ताकि सबको वो मालूम हो जाए कि कौन आदमी किस कंपनी में क्या गलत कर रहा है। इसके कुछ बाई लॉज बनेंगे कि इसमें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं आना चाहिए, आपके यहाँ का जवाबदार आदमी को डालना चाहिए, क्योंकि हम किसी फार्मर का, किसी एम्प्लॉई की, किसी ट्रेडर के साथ
उसकी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पर एक डिसीजन होगा, हर कंपनी की सोच बनेगी उस पर कि यह आदमी या फार्मर को हमारे इंडस्ट्री के लायक है कि नहीं है, या उसको पनिशमेंट देना, या आपको लगता है कि इसको रखना चाहिए उसके बाद, तो आप रखिए, आपके पास राइट्स है। ऐसा नहीं कि उसको नहीं रखना, आप रख सकते हैं। वो आपको मालूम हो गया कि ये आदमी ऐसा है, ये फार्मर ऐसा है, परफॉर्मेंस नहीं है, इसके बाद रखना तो रखिए, कोई प्रॉब्लम। इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जैसे बैंक भी देती है, लो स्कोर वाले को भी फाइनेंस करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 24% कर देती, 30% कर देती। अब भी उतना रिस्क अगर मानते हो तो कीजिए, उसमें कोई रोक नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। मिस्टर राकेश, यस सर, प्लीज एक्सप्लेन करेंगे आपका ऐप क्या। थैंक यू सर, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल डिग्निटरीज एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम पोल्ट्री फ्रेटर्निटी। जैसा सर ने बताया कि हमारी इंटीग्रेशन इंडस्ट्री में, इंटीग्रेशन में द बिगेस्ट चैलेंज इज प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड डिफॉल्ट्स। तो उसके लिए एमडी साहब ने एक विजन देखा हमारे एमडी साहब ने, और हमने एक ऐप बनाया है जिसका नाम है पोल्ट्री कनेक्ट। पोल्ट्री कनेक्ट बेसिकली इंटीग्रेशन फार्मर का, हमारे इम्प्लॉइज का, कस्टमर्स का, या जो भी हमारे इकोसिस्टम है उसका एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है। ऐसी सोच है हमारी कि वो डेटाबेस हम हर एक पोल्ट्री कंपनी के साथ शेयर करें, और जो हमारे शेयर चैलेंजेस हैं उसको हम एक कोलैबोरेशन के साथ, एक साथ मिलकर हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली हमारे जितने भी डिफॉल्टर्स हैं या जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं उनको हम कम कर सकते हैं। आज जैसा सर ने बताया कि इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड फार्मर्स हैं, राइट। अगर एक कंपनी के साथ कोई फार्मर गलत करता है तो किसी ना किसी बहाने से वो दूसरी कंपनी के साथ भी गलत करने में सक्षम होता है और सक्सेस हो जाता है। इस चीज को रोकने के लिए ये एक पहल है, एक कोशिश है डेफिनेटली, जो कि एक साथ मिलकर हम लोग डेटा एंट्री करेंगे और इस प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे तभी यह संभव है। थैंक यू। इसमें हो गया कंप्लीट? नहीं सर, बोलिए बोलिए बोलिए। एक मिनट, ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग एक नॉर्मल यूजर होता है जो कि डेटा एंट्री कर, जब भी हम लोग कंपनी है ऑनबोर्डेड है वो कंपनी लॉग इन करेगी, और एक नॉर्मल यूजर को उस कंपनी का कंप्लीट डेटाबेस दिखता है, जो भी आप एंट्री कर रहे हैं कि उसका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, जीएसटी आधार पैन नंबर क्या है, और उसके बेसिस पे हम लोग उस कस्टमर से, उस वेंडर से या उस पार्टनर से डील करने से पहले हम लोग देख सकते हैं क्या इसने किसी दूसरी कंपनी के साथ कुछ गलत काम किया है। अगर हाँ तो वो डेटाबेस हमें दिखाता है कि उसने ये गलत काम किया है, उसके बावजूद अगर हम उसके साथ डील करना चाहते हैं तो डेफिनेटली डील कर सकते हैं, या फिर जो भी प्रिवेंटिव एक्शन लेना है उस प्रिवेंटिव एक्शन के साथ हम लोग उसके साथ डील करेंगे। और इसमें एक दूसरा रोल है, वो है कंपनी एडमिन का। कंपनी एडमिन वो जो एक नॉर्मल यूजर जो काम करता है वो सारा काम करता ही है, उसके साथ साथ वो अपनी कंपनी में किस यूजर को एक्सेस देना है या किस यूजर को डीएक्टिवेट करना है ये भी डिसाइड कर सकता है। तो इस तरीके से दो बेसिक रोल है। ये प्लेटफॉर्म ऐप स्टोर पे और गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जो कि आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पोल्ट्री कनेक्ट इंडिया के नाम से सर्च करेंगे तो पहला ही एप्लीकेशन दिखेगा, और मैं भी कोशिश करूंगा कल आकर आप लोगों को फिजिकली वहां पर डाउनलोड कराऊं, हेल्प कराऊं, कंपनी को ऑनबोर्ड करूं, और इसका बेनिफिट हम लोगों को मिले। बेनिफिट तभी मिलेगा जब हम लोग इसमें इनरोल करेंगे, डेटा एंट्री करेंगे। आईबी ग्रुप ने ऑलरेडी डेटा एंट्री शुरू कर दी है, और रिक्वेस्ट यही है कि बाकी लोग भी इसमें डेटा एंट्री करें ताकि पूरे इंडस्ट्री को इसका बेनिफिट मिले। कंप्लीट? यस सर। थैंक यू वेरी मच। तो ये इसकी डिटेल के लिए आप इनसे बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो मतलब एक प्रयास है कि ऐसा डाटा पोल्ट्री इंडस्ट्री को शेयर होना चाहिए, इसमें ये कोई कि किस कंपनी का है, कौन क्या है, कोई मतलब नहीं। पोल्ट्री मीन्स पोल्ट्री, पोल्ट्री ग्रोथ होना चाहिए, सेफ हैंड्स में होना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए होना चाहिए, और अपने को ऐसा काम करना है। टेक्नोलॉजी आजकल इतनी आ गई है कि हम उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे। अभी एआई आ गई, आईबी ग्रुप एआई में काम कर रहा है, जीआईएस में काम कर रहा है। मतलब जीआईएस का मतलब है कि इंडिया में आज कितने फार्म किस किस स्टेट में, सब हमारे पास मैपिंग हो रही है। हम 6 महीने के अंदर हमारे पूरे इंडिया में जितने फार्म हमारे पास मैपिंग हो जाएगी, हम घर बैठ के देख सकते हैं कि किस फार्म में चिक्स जा रहा है, उसके फार्म से दूसरा फार्म कितने दूर में है,
वहाँ पे चीक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, एक रोड में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब इस इंडस्ट्री के जो चैलेंज हमारे आदमी भी साइड में जाके नहीं कर सकते, हम उस पर भी काम चालू कर दिए, 6 महीने के अंदर हम सोचते हैं आ जाएंगे। उसी तरीके से AI लाए हैं कि बर्ड के अंदर एक पोल्ट्री हाउसेस में कितनी मुर्गी हम काउंट कर सकते हैं, कैमरे में चालू करेंगे मुर्गी गिन जाए। इवन अगर आपकी ए ब्रीड है वहाँ बी ब्रीड का भी बच्चा दिखेगा बर्ड, तो वो भी बता देगा कि इसमें 100 बर्ड दूसरी ब्रीड की है, मतलब आपके रिस्क क्या, यही तो है ना हमारी कंपनी में रिस्क, हम प्रॉब्लम इसी से तो घिर रहे हैं ना कि कोई एक हमारे इंटीग्रेशन में दूसरे की मुर्गी ला के डाल देता है, 5,000 मुर्गी रहती है वो ला के 6,000 कर देता है, 100 डाल देता है, कैसे पकड़ेंगे, इतनी मुर्गी को काउंट करना पॉसिबल नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तब हम AI का यूज़ करेंगे। हमारी टीम इस पर काम कर रही है। उसी तरीके डिसीज, छोटी छोटी डिसीज के लिए आदमी जाता है देखता है डायग्नोसिस करता है कम ज़्यादा हो, वो भी AI में आ रही है कि आप उसकी फ़ोटो खींचो के बता देगा कि ये डिसीज है और इसमें ये दवा चलेगी, 90% एक्यूरेसी आज तक तो आई है मेरे पास, जो जो हमारी R&D टीम ट्राई कर रही है, हम 95-99 के बाद उसको लॉन्च करेंगे, सबको 6 महीना लगेगा। तो मतलब इंडस्ट्री को मजबूत बनाना है हमको, चैलेंज है ये रहेंगे क्योंकि हमारा फार्म बिखरा हुआ है, पूरा देश इतना बड़ा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और हर आदमी आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा है और ये भूल जाता है कि इसके लिए क्या क्या सावधानी रखना है। हमको अभी रुकना है, जहाँ हम कमज़ोर है वहाँ पे हमको मजबूत होना है, फिर आगे बढ़ना है, सिर्फ आगे बढ़ना वाली स्थिति नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्री में चैलेंज हमेशा रहेंगे, अभी हम स्टार्टअप में हैं, अभी हमारे यहाँ 20 साल से हुआ लेकिन अभी 10 साल से इंटीग्रेशन हमारे यहाँ ज़्यादा बढ़ा है, तो चैलेंज भी ज़्यादा आ रहे हैं, एम्प्लॉय का चैलेंज आ रहा है, आपका फार्मर का चैलेंज आ रहा है, फीड का चैलेंज आ रहा है, रॉ मटेरियल का चैलेंज आ रहा है। आज हम सब सुबह उठते हैं तो बात करते हैं कि क्या चैलेंज आया है ना। दूसरी और एक मजे की बात, हमारी इंडस्ट्री काम करती है, किसी को नहीं मालूम है कि कोई भी इंटीग्रेशन कंपनी नहीं मालूम है कि दूसरी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, सब छुपाते हैं, व्हाई, जबकि दूसरी इंडस्ट्री देखो बताती है कि मैंने इस बार 700 करोड़ कमाया, 10% इकट्ठा, तो मैं बोलता हूँ अरे मैं 600 कमाया, मेरा 8% होता, तो मैं अपने मैनेजमेंट को टाइट करता हूँ, काहे के लिए टाइट करता हूँ, अरे वो कंपनी 10% कमा रही है तो तू 8 कैसे कमा रहा है, एनर्जी आती है, तो हम लोग एनर्जी देते ही नहीं एक दूसरे को, हम लोग बोलते नहीं मालूम चलेगा तो मेरे एरिया में घुस जाएगा, अरे घुसने दो ना, हमसे ज़्यादा प्रॉफिट लाएगा ना, हमको सिखा के जाएगा, आइए वेलकम कीजिए सबको, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए ताकि हर आदमी को मालूम होना चाहिए कंपनी कितना कमा रही, कितना परसेंट, कंपनी का प्रॉफिट का परसेंटेज भी फिक्स होना चाहिए कि मेरे को इतना परसेंट से कम में काम ही नहीं करना है, कोई नहीं सोचेगा। हमारे मार्केटिंग करने वाले जितने आदमी उनको प्रोडक्शन कास्ट मालूम ही नहीं है कि 90 रुपया है कि 80 रुपया, उसको ये मालूम है कि मेरे को आज 50 टन मुर्गा बेचना है, बस मेरे पास मुर्गी रुकना नहीं चाहिए, 38 दिन में खाली करना है, 42 दिन में खाली करना है, जो भी रेट हो बेचो, और कहानी एक बता दो मैनेजमेंट को कि सर वो ऐसे रेट में बेच दिया, उसने ऐसे रेट में बेच दिया, और हमारे पास उसको मानने के सिवाय कोई चारा नहीं होता है, उनकी भी मजबूरी है क्योंकि हमने उनको सिखाया ही नहीं है ना, हम तो सिर्फ उनको मुर्गी बेचना सिखा, कैसे बेचना चाहिए, कितनी प्रोडक्शन कास्ट है, क्या क्या फिंगर देख के करना चाहिए, उतने एजुकेटेड एनालिटिकल लोग हमने रखा ही नहीं है, हमने बिल्कुल ट्रेडिशनल आदमी, इस कंपनी का आदमी उस कंपनी में गया, उस आदमी कंपनी उस काम में गया, और हम देख रहे हैं साल के आखिरी में 2 करोड़ बच गया ना, चलो एंजॉय करो, घाटा तो नहीं हुआ, नहीं हमको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट क्यों चाहिए, आपको मजबूत बनाने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, आपके बैंक फाइनेंस के प्रोजेक्ट के लिए, मार्जिन मनी के लिए पैसा चाहिए, बैंक के पैसे को सेफ रखने के लिए आपको मार्जिन चाहिए, ये सोच हम सब की होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुझे अपने लिए पैसा चाहिए, अगर आगे बढ़ना है तो बैंक के लिए सोचिए, नए एक्सपांसन के लिए मार्जिन मनी कहाँ से लाओगे, प्रॉफिट रहेगा तो एक्सपांसन होगा ना, तो हमको 25% उसके लिए पैसा चाहिए, अपनी कंपनी को रिस्क फंड मैनेजमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, कभी मंदी आएगी तो आपके पास जितना प्रॉफिट का 50% पैसा हमेशा रिजर्व फंड में चाहिए, कभी भी क्राइसिस में आए तो आपकी कंपनी हिलना नहीं चाहिए, बैंक के सामने NPA नहीं होना चाहिए, तो ये सब चीज़ों को रिस्क हम नहीं देखते, हम लोग सिर्फ काम में दौड़ रहे हैं, तो हमको सोचना चाहिए कि हम प्रॉफिट को कैसे स्टैंडर्डाइज करें कि हमारी कंपनी को इतनी प्रॉफिट आना ही चाहिए, वरना हम काम नहीं करेंगे या रुकेंगे, ठेक करेंगे, और प्रॉफिट आने के लिए क्या करना है,
ऐसा नहीं कि रेट बढ़ा दो, पहले हमारे ऐसे खर्चे, ऐसे पुअर मैनेजमेंट के कारण हमारी ब्रायलर की प्रोडक्शन कास्ट बढ़ गई इंटीग्रेशन में, 5 से 15 रुपया इंटीग्रेशन की सब कंपनी की प्रोडक्शन कास्ट स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, 5 से 15 रुपया। इसको कम करने के लिए किसने क्या किया? आज आप देख लेंगे सब जगह तो 5 से 15 रुपया ये डिफेंस है, ये इतना बड़ा मार्जिन है कि अगर हमने इसको बचा लिया तो सोचो आप कितने बड़े आदमी बनने वाले हो, कितना बड़ा काम होने वाला है आपका। हमको कुछ नहीं करना, वही रेट में बेचो, ये करो, सिर्फ जो लूज हो रहा है उसको बचाना है हमको, 5 से 15 रुपये किलो, ये हर कंपनी को मालूम है। लेकिन पता नहीं कि जब वो आगे काम करने जाते हैं तो क्यों नहीं होता है? जैसे वायरस, मेरा ये मानना है बीमारी आती नहीं, लाई जाती है। हमारे डॉक्टरों से बड़ा डिस्कशन होता है इस पर कि बीमारी है नहीं, लाई जाती है। अब कैसे लाई जाती है? वैक्सीन आपने एक फार्म में किया, बाजू वाला नहीं किया, आ गई बीमारी। फीड की क्वालिटी आपने एक ने अच्छी दिया, एक ने खराब दिया, आ गई बीमारी। मुर्गी के अंदर कोई बीमारी नहीं है, मुर्गी को बीमारी से प्रोटेक्ट करना है हमें। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग में है ही नहीं कि कौन सा वैक्सीन किस एरिया में देना है, कैसे देना है, किस दिन पे देना है। अपने को सबसे पहली बात कि कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी आप जाके देखोगे कोई भी फार्म में वैक्सीन इमरजेंसी में दी जाती है, सब हेचरी वैक्सीन दी जाती है, चाहे वो अंडे में दीजिए चाहे सब कट करके दीजिए, उसकी कास्ट हो सकता है इससे डबल पड़ती है। लेकिन फार्मों के अंदर अगर स्टेज में हमने वैक्सीन देते हैं तो ये मान के चलिए आपकी वैक्सीन फेल हो रही है। तो हमने इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई सब इंटीग्रेशन कंपनी की, नहीं हमको हेचरी में वैक्सीन दे, कास्ट बढ़ती है तो बढ़े, हम फार्मों में वैक्सीन नहीं करेंगे। जब प्रॉब्लम आएगा या कोई वैक्सीन कभी कभी चैलेंज करती है तब हम दें। जैसी वायरस आपका कंट्रोल करना, पूरा इन्वायरमेंट आपके फेवर में, पोल्ट्री इंडस्ट्री के फेवर में हो गया, आपका 90% प्रॉब्लम वहाँ से खत्म हो गया। पिछले 2 साल से आईबी ग्रुप पूरा हेचरी वैक्सीन देख कर रहा है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि मुझे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। सबको करना चाहिए हेचरी वैक्सीन, मेरी ऐसी सलाह, फिर आप लोग के अपने डिसीजन होंगे। इसी तरीके से अभी विघ्नेश जी बैठे थे यहाँ पे, तो मैं बोला बहादुर भाई तुम क्या करते हो, तुम्हारा इंट्री पोल्ट्री में क्या काम? मैंने मैं मुर्गी देखते ही नहीं है, मुर्गी देखने का काम डॉक्टर जयसवाल और उनके डॉक्टरों की 40-50 आदमी की टीम वो देखती। फाइनेंस मैं देखता नहीं, फाइनेंस में मैं सिर्फ ये देखता हूँ मेरे को इतना रुपया साल में कमाना है, मेरी बिटिया जोया उसको देखती है, और सब जितनी कंपनी को जितने लोगों को कोऑर्डिनेट करना है वो करती है, अपनी मीटिंग करती है, उतना रुपया लाना उसकी जिम्मेदारी होती है उसकी टीम के साथ में। मेरा काम क्या रहता है, सिर्फ इस इंडस्ट्री को मैं समझता हूँ, स्ट्रेटजी बनाता हूँ, आने वाले समय में क्या चैलेंज आएगा, किधर इंडस्ट्री जा रही है और क्या कॉम्पिटिटर की वीकनेस है, उसकी स्टडी करके मैं अपनी रणनीति बनाता हूँ। मेरा सिर्फ मैं एक ही काम करता हूँ, बाकी मेरा कोई काम ही नहीं है, मेरे पास कोई काम करने के लिए स्कोप ही नहीं है। तो इस तरीके से हर ओनर की जिम्मेदारी होती है कि वो भी अपने काम को इस स्ट्रेटजी में लाए कि काम करने वाली टीम अलग रहे, तुमको हर कॉम्पिटिटर, देखो जब कोई भी है कॉम्पिटिटर उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेस है, क्या एडॉप्शन करना चाहिए, क्या डिनाई करना चाहिए उसकी बातों को, उसकी स्टडी मैनेजमेंट कर सकता है। तो इसमें भी अपने को आप लोगों को काम करना चाहिए ताकि हम सबकी सोच जब तक ऐसी होगी तब देखेंगे 1-2 साल बाद हम सबका ब्रेन एक जैसा मैपिंग हो जाएगा कि यार चलो ये भी ऐसा सोच रहा है, मैं भी ऐसी सोच रहा हूँ, ये भी ऐसा सोच रहा है, किसके बुरे दिन आएंगे तो मेरे अच्छे दिन आएंगे, ये सोचना है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सबके अच्छे दिन आने वाले हैं, किसी के बुरे दिन नहीं आने वाले, क्यों राम रेड्डी, राइट? सबके अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं इस बात से कतई नहीं हूँ कि पोल्ट्री इंडस्ट्री में कभी किसी का बुरा दिन आएगा, कम प्रॉफिट हो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जो अपने आप को अपग्रेड करेगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो अपग्रेड नहीं करेगा वो पीछे हो जाएगा। इसके चैलेंज है, चैलेंज को चैलेंज के जैसा लीजिए और उसको, हमारी ताकत है, आप और हम सब मिल के इस ताकत को दूर कर सकते हैं। इंडिया अभी पोल्ट्री स्टार्टअप है, इंटीग्रेशन रूरल में हम काम कर रहे हैं, गाँव के अंदर हमारी फार्मिंग है, तो हमको, मैं नहीं सोचता कि कोई बहुत बड़ा इसमें तकलीफ आएगी। इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इनकी कई स्कीम निकलती है गरीब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। अभी लखपति दीदी बनाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, डेयरी वाले फिश वाले इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करते हैं, राइट?
टेक ओवर करके गवर्नमेंट को प्रेजेंट करते हैं कि देखो हमने इतनी दीदी को लखपति बना दिया, हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री कुछ नहीं करती। कितना इजी काम है इसमें। अभी मैंने राजनांदगांव में ये फंड किया हो, 50 महिलाओं को लिया हो, कलेक्टर के पास ये फंड होता है, मनरेगा के फंड को 2 करोड़ रुपया उसने 50 लोगों को 1500 स्क्वायर फीट का पोल्ट्री हाउस बना के फ्री ऑफ कॉस्ट में 50 महिलाओं को दिया है। मुझे सिर्फ उसमें हजार चीज़ का इंटीग्रेशन करना है और टेक्निकल सपोर्ट देना है। ऐसा हर इंटीग्रेशन कंपनी को अपने जिले में कलेक्टर से बात करके मैं उसकी पूरे डॉक्यूमेंट्स दिलवा दूंगा आपको। डॉक्टर जयसवाल उसको पल्लवी से मिलवा देंगे इनको, और जो भी इंटरेस्टेड होगा, हर आदमी को, हर कंपनी को अपने डिस्ट्रिक्ट में 25-50 महिलाओं को लखपति दीदी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है उसमें आगे बढ़ाइए, ताकि एक अपनी कंपनी की, अपनी इंडस्ट्री की एक इमेज उठती है कि हमने भी सरकार के प्रोग्राम से बना के इतने लोगों को जीवन को हमने आगे बढ़ाया। हमको सोशल काम में भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, राइट चौधरी जी, शुक्ला जी, राइट। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसी कुछ जी ऐसी कुछ स्कीम में जुड़ के हमको भी अपने नंबर, अपने इंडस्ट्री के नंबर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि उन लोग भी हमें ये नहीं समझे कि इन लोग सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। अभी मैसेज ये है सेंटर में चाहे स्टेट में, अरे इन लोग पैसे वाले हैं, बड़े लोग हैं, अरे है ठीक है ना, लेकिन हम काम किन के लिए कर रहे हैं आज देखिए। तो थोड़ी सी हमको अपनी सोचने का और काम करने का तरीका बदलना है तो जरूर। अब हमारी बात आ रही नेक्स्ट जनरेशन के लिए। हर फैमिली में, हर बिजनेस फैमिली में नेक्स्ट जनरेशन है। क्या आप लोग सोचते हो कि ये नेक्स्ट जनरेशन इस टाइप के काम को टेक ओवर कर लेगा? आप खुद सोचो अपने दिमाग से, कभी नहीं करेगा, बोलेगा जिसमें इतना रिस्क है। देखो वो क्यों नहीं लेगा, क्योंकि उसके पास वो कंफर्ट में, आपका बेटा, आपका बेटा आज पूरा कंफर्ट में, हो सकता है किसी ने देश विदेश के बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ा के लाया उनको, कि ये सोच के कि इन बच्चों को हम अपनी बागडोर सौंपेंगे। कई फैमिली ने किया, कर भी रहे हो, करना भी चाहिए। तो क्या सोचते हो बच्चे जब पढ़ के आएंगे तो ये सिस्टम को टेक ओवर कर लेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, करेंगे तो बेमन से करेंगे। क्यों? इसमें रिस्क के सिवा है क्या? कंफर्ट कहाँ है अपन लोग, बताओ ना। हम लोग 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं तो हमको पता नहीं चलता है कि अपन लोग कितने रिस्क में, कितने टेंशन में काम कर रहे हैं। ये जनरेशन जो आ रही है ये बिल्कुल इसको अडॉप्ट नहीं कर पाएगी, और हमने देखा भी है कि कई जनरेशन इससे थोड़ा सा निकल के साइड में बिजनेस चालू कर दिए, कई जनरेशन इससे विड्रॉ हो रही है, और कई जनरेशन फादर बोल रहे हैं इसलिए कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दूसरी इंडस्ट्री में देखिए कि नेक्स्ट जनरेशन जो पढ़ लिख के आ रही है, 50-75% जनरेशन अपने पेरेंट्स का बिजनेस को टेक ओवर कर रही है। हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं हो रहा है। इतना रिस्क, इतना ट्रेडिशनल सिस्टम, कोई कंट्रोल नहीं है हमारे पास, सब नीचे चले गया। वो दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, बस साल के आखिरी में। क्यों बलराम जी, ठीक है, बलराम जी से बात होती है, मेरे को बोलते हैं बहादुर तू बेवकूफ़ आदमी, पोल्ट्री इंडस्ट्री में काम कर, तू बाहर आ बॉम्बे, बोलता है तो पैसा कैसे कमाते हैं बताता हूँ, राइट। तो कहना मतलब ये है अगर इनसे मिल लोगे तो आप पोल्ट्री छोड़ दोगे। तो मतलब पैसा कमाने के लिए बहुत सारी इंडस्ट्री है हमारे पास, कोई ऐसा नहीं कि हम पोल्ट्री से दूसरे में पैसा नहीं कमा सकते। हमारी नेक्स्ट जनरेशन इसमें आने में उसको बड़ा तकलीफ होगी, वो इस टाइप के काम कर ही नहीं सकता कि वहाँ चोरी हो गई उसके बाद फिर चिक्स दे रहे हैं, वो भग गया उसके बाद भी दे रहे हैं, अच्छा वो आदमी को उठा के ले 25% बढ़ा के। उन लोग तो सिस्टम में काम करते हैं ना, पढ़ाई वही है कि सिस्टम जनरेट कंपनी का बिजनेस होना चाहिए और उसमें जो प्रॉफिट आती है, और हर आज यंग जनरेशन का एक प्रॉफिट का स्टैंडर्ड होता है। जैसे मैं खुद देख रहा हूँ मेरी बिटिया इस बिजनेस को ज्वाइन करी, सीधा पूछती प्रॉफिट कितना लाओगे पहले ही बताओ। अरे मैं बोला बिटिया ऐसा नहीं होता, नहीं नहीं मेरे को पहले प्रॉफिट बताओ। मतलब उनका एटीट्यूड क्लियर है कि मेरे को 10% प्रॉफिट के नीचे काम ही नहीं करना, पापा बोलती है। कोई 10 बोलता है, कोई 12 बोलता है, कोई 8 बोलता है। मैं बोलता बेटा इसमें नहीं होता, हम लोग देख साल के आखिर में जो मिल जाता है ना उसको अपना परसेंटेज समझते हैं। बोलती नहीं बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, बोलते हैं सिस्टम सेट करो ना आप। अब क्यों सेट नहीं करते, क्यों अपनी इंडस्ट्री के लोगों को नहीं बोलते? बीच में बलराम जी ने कोशिश की कि यंग जनरेशन की मीटिंग आए, बच्चे मिले, हुई 1-2 मीटिंग, लेकिन फेल हो गई मेरे ख्याल से, राइट बलराम जी?
क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट ने शायद, मेरे को ऐसा लगता है, अबे ज्यादा कुछ बताना मत वहां पे, बोलना मत वहां पे, अपनी बातें वहां शेयर मत करना, शायद ऐसा हुआ होगा। बच्चे आए, खुल नहीं पाए, मिले जरूर लेकिन खुल नहीं पाए। उन्होंने कोई नई स्ट्रेटजी नहीं बनाई कि हम अपनी इंडस्ट्री को कैसे उठाएंगे, कैसे अपने पुराने पूर्वजों से वो इंडस्ट्री को टेक ओवर करके हम इस इंडस्ट्री को एक अच्छे रूप में ले जाएंगे। उनके पास कोई आइडिया नहीं बेचारों के पास, क्योंकि जितना जिस ट्रेडिशनल तरीके से हम काम कर रहे हैं उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो हम अपने इतना काम बढ़ाने के बाद हम अपने बच्चों को अपना बिजनेस ट्रांसफर शायद उतनी स्पीड से, उतनी कैपेसिटी से नहीं कर पाएंगे। तब हम सब लोग की जिम्मेदारी कि अपने बच्चों के लिए ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके जाए कि वह बच्चे आपके बिजनेस को तुरंत टेक ओवर करें और नई जनरेशन के साथ मिले, काम करें और अपनी फैमिली बिजनेस को भी आगे बढ़ाएं, पोल्ट्री इंडस्ट्री को भी मजबूत करें और देश को भी मजबूत करें। ये हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि नेक्स्ट जनरेशन को हम क्या डिलीवरी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लेकिन हम आपको भी जाने नहीं देंगे। आई रिक्वेस्ट टू स्टे बैक। आई रियली अप्रिशिएट दैट सर ने ना बिल्कुल हमें फैमिली मेंबर्स की तरह पॉइंट टू पॉइंट ही एक्सप्लेन जस्ट लाइक द टॉप, द लीडर, द फादर ऑफ द फैमिली। सर आई वुड कॉम्प्लीमेंट योर स्टाइल ऑफ मैसेजिंग, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि सर स्पोक फ्रॉम हिज हार्ट, वेरी कंसर्न टू द पॉइंट विद द पॉइंटर्स ऑन स्क्रीन। ही मेड श्योर कि हम नहीं हमारी अगली जनरेशन भी इसे अडॉप्ट करें। सो गिव इट अप फॉर द जेंटलमैन, द वन एंड ओनली मिस्टर बहादुर अली जी। Along with this, I would like to call other speakers also to join me on stage. Can I request Dr. Chin, a technical consultant from Singapore, to grace the stage with your presence, and Dr. M. R. Reddy to join me, Principal Scientist, Avian Health Section, ICAR, Director of Poultry Research, Hyderabad. Ladies and gentlemen, bringing before you all the three dynamic speakers of today. And to felicitate them one after the other, to felicitate Dr. Chin, can I request Balram Singh Yadav ji to join me on stage along with Mr. Harshad Thakkar. Please join us on stage, sir. We'll have one group picture of yours, post which we would first felicitate Dr. Chin, followed by Dr. M.R. Reddy, and then our very own Mr. Ali. Ladies and gentlemen, I guess we all are super enthralled with the presentations. Let's put our hands together. Fantastic. On stage, we have Mr. Sanjay and Mr. Ranpal, all honored and ready to felicitate Mr. Bahadur Ali ji. We believe that the continuous support that we have received throughout until now from you all will be continued, and we as an industry of Poultry India grow not just 8 to 10% but many numbers and times, because we are associated with the health sector industry. Thank you very much to the presenters for joining us, and I request all the three presenters to take one group picture. And then we would escort from the stage. And ladies and gentlemen, it is a sharp 1:20, and I will be seeing you all back in this hall in next 45 minutes. We will break now for the lunch and we will join you back. I would encourage that the question and answer session would be taken post lunch in the second half of the sessions. So please write down your questions in the question cards given to you or the notepads which are right available on the tables or which are there with you accessible. You can please take help of our volunteers. Thank you to the dignitaries, Dr. Shrin, Dr. M.R. Reddy, and Mr. Bahadur Ali. What an honor it was to have you all with us for talking on the three main topics. Ladies and gentlemen, let's all break for the lunch and come back after 40 minutes. See you soon.